हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम ईशा है, आप लोग देख रहे हैं स्ट्रीट कार्स एंड बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक 12 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी पैक बनाने वाला हूं, वो भी पुराने लैपटॉप बैटरी से। मैं उस बैटरी पैक को बनाने वाला हूं। ये बैटरी पैक बेसिकली टाटा नैनो कार रहता है उसमें लगा के चलाने के लिए मैं सोचा था, तो लेकिन वो हो नहीं पाया। वो किस चीज़ के लिए नहीं हुआ, और इस बैटरी पैक बनाने के बाद मैं दो तीन जगह उसको लगा के चेक किया, कुछ जगह वो पास हुआ, कुछ जगह फेल हुआ। किस लिए क्या है उसका सारा मैं आपको इस वीडियो को लास्ट में बताएगा। तो लिथियम आयन बैटरी कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक आपको देखना ज़रूरी है। तो चलिए जल्द से जल्द बैटरी पैक बनाने प्रोसीजर को शुरू करते हैं।
बैटरी पैक तो हम लोग बना चुके हैं, देख सकते हैं 12 वोल्ट 40 Hz का बैटरी है। इसमें टोटल 60 बैटरीज तक मैं यूज़ किया है, एक एक आके 2000 mAh का बैटरी है। सो प्रॉब्लम क्या था, इसको मैं बेसिकली कार में या इन्वर्टर में लगाने के लिए मैं ये बनाया था, लेकिन आपको एक सच्चाई बताता हूँ, ये बैटरी आपको कार में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं और इन्वर्टर के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस लिथियम आयन 18650 बैटरी का पैक से, क्योंकि आपको जो उसमें थीरी के हिसाब से तो ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब में भी बता देता है कि ऐसे बैटरी पैक घर पे बना के कार में यूज़ कर दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो करके। मैं ये देख के ही सच में ये होता है नहीं कि बोल कि ये बैटरी पैक को मैं बनाया था, बनाने के बाद मेरे को इसका सच्चाई मेरे को अभी पता चला है। तो चलिए इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो एक बैटरी का वोल्टेज है हम लोग का 3.7 वोल्ट है, 3.7 वोल्ट है, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग जो बैटरी पैक बनाया है सीरीज़ में कनेक्ट करके, तो तीन बैटरी को हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट किया है, मतलब 3 वोल्ट और तीन मिला के क्या होता है, सीरीज़ में कनेक्ट करने से हम लोग का वोल्टेज इसका ट्रिपल हो जाता है, मतलब 3.7 × 3 इक्वल टू 11.1 वोल्ट आएगा, ठीक है। ये टोटल 12 वोल्ट नहीं आएगा, आपको 11.1 वोल्ट ही आएगा, 12 वोल्ट नहीं आएगा। तो ये बैटरी अगर हम लोग इन्वर्टर पे लगाने वाले हैं, इन्वर्टर पे ये इस बैटरी को हम लोग 11.1 वोल्टेज का हम लोग लगाने से, हमारा इन्वर्टर क्या करता है, बेसिकली इन्वर्टर पे लेड एसिड के लिए बना है, तो ये क्या करता है 11.50 में ये चार्जिंग शुरू कर देता है, ठीक है। और 13.50 आने के बाद चार्जिंग को स्टॉप कर देता है, इधर स्टार्ट करता है इधर स्टॉप करता है, ठीक है। इसके चलते अभी इन्वर्टर क्या सोच रहा है, 11.50 इसको चार्जिंग स्टार्ट करना है बैटरी को, 13.50 और 14 समथिंग आने से, 14 वोल्ट आने से आपको चार्जिंग स्टॉप कर देता है, चार्जिंग स्टॉप कर देता है। तो अभी क्या हो रहा है, मैं अगर इसी बैटरी को लेकर आके आके मैं इन्वर्टर पे लगा रहा हूँ, तो हमारा इन्वर्टर क्या सोचेगा, 11.1 जो है, अगर इसको आप चार्जिंग 11.1 वोल्ट के हिसाब से चार्जिंग कम है बोल के चार्ज करता रहेगा हमारा इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता रहेगा, लेकिन ये मैक्सिमम आपका 11.1 से लेकर 12 वोल्ट तक इसका वोल्टेज बिल्डअप हो जाएगा, मतलब 11.1 से लेकर 12 वोल्ट तक इसका वोल्टेज बिल्डअप होगा। ये 12 वोल्ट आपका बिल्डअप होगा, फिर भी ये चार्ज करता ही रहेगा, आपका इन्वर्टर चार्ज करता रहेगा, क्योंकि इसको जो फुल का मीनिंग है 14 वोल्ट या 13.50 आना चाहिए, जब तक ये इन्वर्टर आपका चार्ज करता ही रहेगा। बैटरी आपका फुल होने के बाद आपका इसके अंदर जो BMS लगा है वो 12 वोल्ट या 12.40 के पास, उसके पास आपका बैटरी पैक को चार्ज करना बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है। इसी के चलते आपको BMS के द्वारा ये बैटरी ओवरचार्ज तो नहीं होगा, लिथियम आयन बैटरी, लेकिन इन्वर्टर कंटिन्यू उसको चार्ज करने का कोशिश करता ही रहता है। तो इसके चलते क्या होगा, अगर आपका पावर सप्लाई कभी भी जाएगा, बैटरी के ऊपर लोड आएगा, तो बैटरी का वोल्टेज तो कम है, तो इसके चलते आपका इन्वर्टर क्या करेगा, बैटरी से सप्लाई बंद कर देगा। तो इसके चलते क्या है, आपका इन्वर्टर में ये वाला बैटरी कभी भी चल नहीं सकता है, ठीक है। ये केस वन है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ केस टू। इस केस टू में क्या है, कार बैटरी जैसा यूज़ करने का सोच रहा है, इधर क्या होता है, बेसिकली लेड एसिड बैटरी क्या होता है,
इसमें दो टाइप है, ये क्या के इंस्टेंटेनियस करंट देगा ये क्या के आपको डीप साइकिल का रहता है, ये जो ऑटो ऑटो बैटरीज बोलते हैं, मतलब ये जो कार्स जैसे कार्स लॉरी बस सारा जगह इसी को यूज़ किया जाता है। और ये डीप साइकिल वाला बैटरीज और C20 के रहते हैं बेसिकली, ये आके आपको ट्यूबलर बैटरी होता है और इसके बाद ये ट्यूबलर बैटरीज हम लोग इन्वर्टर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, इन्वर्टर्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अभी क्या होगा, हम लोग अगर ये अगर कार का बैटरी के जगह में लिथियम आयन बैटरी को यूज़ करेंगे, जब क्या होगा, ये कार स्टार्ट करते समय नियरली 100 to 200 amps इंस्टेंट चाहिए होगा, लेकिन हमारा जो बैटरी पैक है उसमें 20 amps का BMS यूज़ किया गया है। सो 20 amps के ऊपर जाएंगे तो बैटरी कट ऑफ हो जाएगा। सो फाइनल में जो बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप कहीं पे भी इस बैटरी को, मतलब ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री जो भी हम लोग का कार गिर है ऐसा वाला जगह भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, और लिथियम इन्वर्टर के पास भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। लिथियम फास्फेट आप यूज़ कर सकते हैं, वो बैटरी बोलते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको 3.2 का रहता है और 4 बैटरीज मिलता है, तो आपका लगभग ये 12.8 वोल्ट्स आएगा, तो ये इन्वर्टर में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये लिथियम आयन 11.1 वाला ये है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही सच्चाई है फ्रेंड्स, आप बैटरी पैक अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, आप यूज़ के हिसाब से आपको बैटरी पैक बनाना है, वो लिथियम आयन का बनाना है या लिथियम फास्फेट का बनाना है, आपको चूज़ करना है आपके एप्लीकेशन के हिसाब से। बिना देखे आप सारा वीडियोस में बता देता, कार के लिए भी यूज़ कर सकते, इन्वर्टर के लिए यूज़ कर सकते, ऐसा बात को आप सोच के मत बनाइए, नहीं तो ऐसा धोखा खा सकते हैं। फिलहाल मैं अभी इस बैटरी को दूसरा प्रोजेक्ट के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ, नहीं तो इसको डिस्पोज करके दूसरा बैटरी पैक भी मैं बना सकता हूँ, तो मेरे लिए कुछ दिक्कत नहीं है। आप लोग इन्वेस्टमेंट करके ऐसा वाला बनाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है, तो ये सच्चाई आपको बताने के लिए इस वीडियो को मैं बनाया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगर भी इस वीडियो आपको पसंद हुआ है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।